जबकि जब शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही वाइड है, बहुत ही व्यापक है, क्योंकि शिक्षा से आप बच्चे का पूर्ण संपूर्ण विकास को हम देखते हैं। तो इसीलिए हमने इस बार अलग अलग क्षेत्रों से, खास तौर पे कला के क्षेत्र से, खास तौर पे जो बच्चे के स्वास्थ्य और ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो ध्यान देते हैं, उन टीचर्स को भी इनवाइट किया है, जिससे कि आने वाले जो और टीचर हैं वो प्रोत्साहित हों। तो सबसे पहले मैं अपने बीच बुलाने जा रहा हूँ बहुत ही फेमस हमारे टीचर हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे गुरु हैं, जिन्होंने बहुत ही गरीबी के दिनों से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, गांव से निकल के दिल्ली में आकर अपने लिए बहुत बड़ी जगह बनाई है। जी हाँ, उन्होंने बीबीसी में काम किया है। सर ने ना केवल भारत में, अपने देश में देश का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरी दुनिया में सर ने कला को, फिल्मों को और आर्ट को पूरी दुनिया में फैलाया है। सर ने कम से कम 30 से 40 देशों की यात्रा करी है, जहाँ पे सर फिल्मों के माध्यम से, कला के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से सर ने बहुत सेवा करी है हमारे समाज की। भारत सरकार भी इनके इस योगदान को हमेशा प्रोत्साहित करती रही है। इन्होंने ना केवल कला के लिए जो काम किया है, उसके अलावा इनकी कई सारी पुस्तकें भी हैं, ये कवि भी हैं। तो मैं आपके बीच बहुत ही गर्व के साथ, जो हमारे बहुत ही सम्माननीय हैं, शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा, श्री राम किशोर पारचा जी को। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले मैं हमारे जो कंपनी के एमडी हैं, श्री मनोहर जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और पुष्प गुच्छ देकर सर का स्वागत करें, सर को सम्मानित करें। अब मैं श्री रामकिशोर पारचा जी से निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द कहें, अपनी जर्नी के बारे में कहें, बच्चों के लिए दो शब्द कहें, जिससे वो प्रोत्साहित हों, वो भी आगे चलकर इनकी तरह देश दुनिया में बहुत नाम कमाएं, बहुत अच्छे से काम करें। तो सर प्लीज। सबसे पहले तो मैं मनोहर जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है इनविक्टा जो ईजाद किया है, इनविक्टा का मतलब होता है एक आमंत्रण, निमंत्रण, इनविटेशन। और पहली बात ये कि मैंने अश्विनी से जब ये पूछा कि ये इनविक्टा क्या चीज़ है, तो जो डिटेल इन्होंने बताई वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो नाम इनविक्टा जो है, ये अपने आप में बहुत प्रेरक है। इनविक्टा शिक्षा का क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, तो शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेना नहीं होता है, कि जो कुछ हमने किताबों में लिखा है, हम बच्चों से जब कोर्स सिलेबस पूरे करने की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो बच्चे पिछले साल पढ़ रहे थे, अगले साल आने वाले बच्चे भी लगभग वही पढ़ते हैं, इतिहास हो या ज्योग्राफी हो या केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कुछ ऐसा नया उसमें नहीं होता है। जो प्रिंटेड है वही हमें लगता है कि सारी दुनिया उसमें बंद है, और वही हमें खोल के अपने आप को आगे लेके जाना है। लेकिन इनविक्टा जैसे जो संस्थान अब आगे आने वाले समय में अपना भविष्य बच्चों के लिए तय करेंगे, उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम किताबों के साथ, किताबों के बाहर की जो दुनिया है, जो हमें लिखने वाले शब्दों से नहीं मिलती है, वो हमें कहने सुनने वाले और जानने वाले शब्दों से मिलती है, और वो कहीं से हम पढ़ के नहीं आते हैं। जैसे मैं भी देख रहा था अश्विनी को कि इन्होंने कहा कि मैं आज कोशिश करूँगा, अच्छी कोशिश की इन्होंने, तो ये कोशिश जो है ये भी किताबों से बाहर की कोशिश है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वह किताबों में पढ़कर सिखाई नहीं जा सकती। जो सीखना होता है वो हमें खुद सीखना होता है, और जो मनोहर जी मुझे लगता है कि इनविक्टा के जरिए बच्चों को सिखाएंगे, वो आने वाले समय में एक नए भविष्य निर्माण का द्योतक होगा। और ये इस बात का भी परिचय होगा कि पहले से जो संस्थान या जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा अलग होगा, ऐसे बच्चों के लिए भी अलग होगा जो बच्चे अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने करियर के लिए नए सपने बुनते हैं, लेकिन उन सपनों को बुनने के लिए पैसा खर्च होता है पर सपने पूरे नहीं होते हैं। तो मैं कम से कम एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत पढ़ाया है, 30 साल मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए निकाले हैं साथ साथ, तो हम उनको नया भविष्य, नई जिंदगी, नया करियर और नए सपने बुनकर भविष्य को बनाने की जो एक राह होती है टेक्नोलॉजी वाइज,
सब्जेक्टिव वाइज, और उस सब्जेक्ट का जो कंटेंट होगा जो मनोहर जी जाहिर है कि अपने स्टाफ के साथ तैयार करेंगे, और उन्होंने कर भी लिया होगा, जब ये ऐप लॉन्च होगा, जब ये इन्विक्टा सामने आएगा लोगों के, तो उसको पूरा करने में सक्षम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि जब अश्विनी ने ऑफिस में मुझे बात की थी और जब ये कहा था कि सर ऐसा हो रहा है और इन्विक्टा ये है, तो मैं इनसे मिला नहीं था, लेकिन अभी मैंने देखा इनको, मतलब ये इनके सही समय की शुरुआत है, क्योंकि इतना यंग इन्वेंटर मैंने कम से कम इस तरह की चीज़ों में अपना हाथ डालते हुए, कहूँगा कि हाथ जलाते हुए नहीं देखा। लेकिन कहते हैं कि मतलब आप जब तक हाथ नहीं जलाएंगे तो आपको आग की तपिश का एहसास नहीं होगा, और आग जो होती है वो तपिश नहीं होती है, रोशनी भी होती है, ज़िंदगी भी होती है, जीवन भी देती है। तो इस आग से नई लॉ बनकर एक नई रोशनी जो है इन्विक्टा की दुनिया भर में फैले, लोगों को पता चले, लोग इससे जुड़ें, ना केवल यहाँ देश में, विदेश में, जैसे बाकी के संस्थानों ने काम किया है, मनोहर जी का ये जो इन्विक्टा इन्वेंट किया है इन्होंने, ये बहुत बड़ा नाम बनकर उभरे, और बन के उभरेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी जो चीज़ें सामने आई, जिस तरह का मैंने माहौल देखा, बहुत कम होता है। तो बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सफल हों। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अभी के लिए तो ये ठीक है, जाते जाते मैं आपसे फिर दोबारा से बात करूंगा, थोड़ी सी बात अभी रह गई है। अच्छा। तो अभी आपसे थोड़ी देर में दोबारा बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे शिक्षा की, शिक्षा का प्रारूप बदलते वक्त के साथ बदलता गया है। जब एक समय था, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत दिनों तक विदेशी लोगों का शासन रहा है, तो शिक्षा भी उन्हीं के अनुरूप चल रही थी। शिक्षा जो थी बेसिकली नौकरी को लेकर शिक्षा थी, उसी पे फोकस था। बहुत सारी चीज़ें, कला है, साहित्य है, फिजिकल एजुकेशन है, ये सब छूट ही गई थी। अपने आप पे ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने आस पड़ोस पे ध्यान देना, अपने परिवार पे ध्यान देना, समाज पे ध्यान देना, ये सब कहीं कहीं छूट ही गया था। तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे हमारे शिक्षकों ने, प्रशासकों ने, हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस क्षेत्र पे ध्यान दिया, इस क्षेत्र पे फोकस किया, योगा पे बहुत फोकस किया। तो अभी उसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक हस्ती जो कि टीचर हैं, योगा टीचर भी हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन की टीचर हैं, और जो DAV जो हमारा बहुत ही एक सम्मानित स्कूल है, उसकी टीचर हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा, नेहा जैन जी को मैं बुलाना चाहूँगा। तो मैं मनोहर सर जी को एक बार दोबारा बुलाना चाहूँगा, आइए सर। तो नेहा मैम से हम लोग पूछेंगे बदलते दौर की शिक्षा के बारे में, योगा का एक नया झुकाव जो बच्चों के बीच बढ़ रहा है, फिजिकल एजुकेशन का झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ देखा है बच्चे ना टेक्नो से भी बहुत हो गए हैं, उनका ध्यान टीवी में, मोबाइल्स में बहुत हो गया है। तो जो ये फिजिकल एजुकेशन है, जो योगा है, किस तरह से उनको हेल्प कर सकती है, और आपने किस तरह से बच्चों को प्रेरणा देते हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट करते हैं कि वो इस तरफ ध्यान दें, अपने आप पे ध्यान दें, क्योंकि जिसे हमारे यहाँ शुरू से बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बच्चों को बताइए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप लोगों का सबका थैंक यू कहूंगी, मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म देने का, अपने बात रखने का, फिजिकल एजुकेशन को और आगे प्रमोट करने का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जैसे सर ने बोला कि फिजिकल एजुकेशन का कुछ टाइम से काफी इम्प्रूवमेंट, जो फील्ड हमारा खो गया था, बहुत दूर खो गया था, वो कहीं वापस अब आने लगा है। जैसे कि अभी ओलंपिक्स वगैरह में काफी सारे मेडल्स आए हैं, हाँ, नीरज चोपड़ा, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो रही है, एशियन चैंपियनशिप भी हो रही है, उन सब में भी काफी मेडल्स आए हैं जो कईयों को पता ही नहीं है। अभी ओलंपिक्स के बाद पैरा ओलंपिक्स भी आए, काफी लोगों को ये भी नहीं पता कि पैरा ओलंपिक्स के अंदर भी मेडल्स आए हैं, मगर ये पैरा ओलंपिक्स कोई अभी नहीं होते थे, ये बहुत टाइम से होते आए हैं, मगर जब मेडल्स आए, जब हाईलाइट हुआ, तब सबको पता चला कि ये पैरा ओलंपिक्स होता क्या है। अभी भी अगर हम बात करते हैं तो पैरा ओलंपिक्स
बहुत ही रेयर होगा कि किसी को पता होगा, मगर अब धीरे 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 वो इम्प्रूव हो रहा है। मैं अभी यहाँ पे एक बार ही बता दूँ, पैरालंपिक्स जो फिजिकली चैलेंज जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने रखा है नाम दिव्यांग, तो उनको जो है पैरा ओलंपिक्स या डिसेबिलिटी या डिसेबल्ड पर्सन नहीं कहते हैं, तो दिव्यांग कह के उन्होंने इस पूरे ग्रुप को एक संबोधित किया उस नाम से, तो वो भी आगे पॉपुलर हो गया। अब आगे आप क्या कहें कि योगा हमारे इंडिया ने ही किया, योगा इंटरनेशनल डे 21 जून, इट इज इंडिया ओनली हु प्रमोटेड दैट। तो योगा भी इससे पहले जब डॉक्टर्स कहते थे कि योगा करो एक्सरसाइज करो, तो किसी को समझ ही नहीं आता था ये क्यों कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाओ पियो और मस्त रहो। हाँ, बस फिजिकल एजुकेशन और योगा का फील्ड क्या था, योगा तो सिर्फ एक एक्सरसाइज की, हाँ एक ओल्ड एज में आके कुछ जाते हैं, एक गैदर होते हैं, एक ग्रुप होता है बुजुर्ग लोग का ओल्ड एज का, और वो जाके थोड़ा सा अपने वो करते हैं, सिर्फ वहीं तक ही सीमित था, मगर अब वो यंगस्टर्स के बीच में आ गया है, यंगस्टर्स भी योगा की तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, एरोबिक्स हो रहे हैं, जुम्बा हो रहा है, और साथ के साथ जो हमारे गेम्स फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स प्रमोट हो रहा है वो अलग। तो इस टाइम अब प्रेजेंट सिनेरियो जो है, जब मैं छोटी थी तब से लेके अब मैं टीचिंग और इस फील्ड में आई हूँ काफी, मेरे को 12 साल हो चुके हैं इस फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, तब से लेके अब तक यहाँ पहुंच चुका, जो फिजिकल एजुकेशन यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो योगा बिल्कुल यहाँ था वो यहाँ आ गया। तो वो उनका इनोवेशन, वो जो आज की जो पढ़ाई चल रही है वो इम्प्रूव हो रही है, उसके साथ साथ हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ रहा है। बिल्कुल थैंक्स टू योर ऐप, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं और आगे जाके और थैंक थैंक्स मैम, हेल्पफुल होगी थैंक्स है। थैंक्स थैंक यू वेरी मच। तो मैम ने जैसा कहा है कि योगा का जिस तरह से हमारे देश में एक और पूरी दुनिया में जिस तरह से एक दोबारा से एक चलन चला है, हम भी ये ध्यान रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारी ऐप में हम बच्चों के लिए एक छोटे छोटे योग सेशंस रखें, जिससे कि बच्चे पढ़ने के पहले या पढ़ने के बाद रिलैक्सेशन फील कर सकें, और शायद वो उनको ज्ञान को बढ़ाने में, याददाश्त बढ़ाने में वो बहुत ज्यादा बहुत है, यूजफुल होगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव कंसंट्रेशन करने इंप्रूव में। होगी, एंजाइटी कम होगी। तो मैम आपका बहुत बहुत यस धन्यवाद, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक प्लीज अब जब सबके लिए बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा तबका है महिलाओं का, महिला शिक्षा की हम बात करते हैं, और उसमें भी होता क्या है, महिलाएं पढ़ती हैं, बहुत कोशिश करती हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स देखेंगे, इवन अभी हमने जो एक मैम से एक टॉक में भी बात करी थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर देखेंगे रिजल्ट्स में सारी लड़कियां टॉप कर रही हैं, टॉप में लड़कियां ही हैं, पर अब जब फील्ड में देखते हैं तो लड़कियां नहीं हैं, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप पोजिशंस पे वो लड़कियां नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो एक एक संघर्ष अभी भी जारी है, थोड़ा सा उनको और पुश करना पड़ेगा, और कोशिश करनी पड़ेगी। तो मैं एक ऐसी ही टीचर से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कॉलेज में, लॉ कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, कृतिका मिश्रा जी को प्लीज। तो कृतिका मिश्रा जी का जो अनुभव है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। इन्होंने टॉडलर स्कूल्स को मैनेज किया है, ये हेड ऑफ द एकेडमी रही हैं बहुत सारे स्कूल में, और उन स्कूलों से लेकर और कॉलेज तक का एक बहुत लंबा सफर रहा है उनको मैनेज करने का, उसको चलाने का, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को पढ़ाने का। तो इनका एक अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव है, कैसे बच्चों को डील करना है, कैसे बहुत सारे ऐसे विशेष बच्चे होते हैं जिनके लिए एक्चुअल में स्कूल नहीं है, जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे स्कूल में उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे हम उनको आगे लेके जा सकते हैं। तो वहां से लेकर कॉलेज में लॉ पढ़ाने का, और खास और बिजनेस लॉ पढ़ाने का इनको एक बड़ा अनुभव रहा है। तो पहले मैं मनोहर सर को बुलाना चाहूंगा कि आके मैम को सम्मानित करें। आपके जो ये अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे, एक छोटे बच्चे जो होते हैं जो टॉडलर्स की तरह आते हैं वहां से, और फिर आप जिनको लॉ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उसमें से बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी होते हैं और उनके सवाल अलग होते हैं, छोटे बच्चों को डील करने का तरीका अलग होता है, तो किस तरीके से आपने इस पूरी जर्नी को देखा? देखिए एजुकेशन का पूरी जर्नी है। तो मैम प्लीज। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक्स एवरीवन, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। बड़ा ही अच्छा एक टॉपिक छिड़ गया, ये मेरा बहुत ही क्लोज टू हार्ट है, लाइक ऑटिज्म को लेकर जब हम प्री स्कूल्स की बात करते हैं, वो मेरा एक रिसर्च प्रोग्राम है पूरा, मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया है। एज एन बाय प्रोफेशन देखें तो मैं लीगल प्रोफाइल से हूँ और मैंने CS किया है, बट एजुकेशन को यस मैंने बिल्कुल
टू प्लस वाली एज से लेकर और फिर प्रोफेशनल्स तक देखा है। और यदि हम शुरू से बात करें टोडलर्स, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता हाउ टू हैंडल देम, हाउ टू टॉक टू देम और उनको किस तरीके से पढ़ाना है या आगे लेकर जाना है। तो मैंने उस स्टेज से जहां व्हाइट कॉलर पेरेंट्स होते हैं, सर्विस क्लास होते हैं, वो कभी मानने को ही तैयार नहीं होते कि हर बच्चा अपनी एक केस स्टडी होता है। लाइक आपने एजुकेशन को देखा यहाँ पर, सर से सुना, आप टीचर से सुनेंगे कि एजुकेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं, हमें बुक्स मिली, हमने वो बुक्स को कम्प्लीट किया, एक सेशन कम्प्लीट हुआ। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग था मेरे टीचर्स के साथ। आई ऑलवेज टोल्ड देम कि नहीं, आपका एवरी स्टूडेंट इज अ केस स्टडी। जब हम छोटे बच्चों से शुरू होते हैं, जहां टू प्लस बच्चे होते हैं, हर स्टूडेंट एक केस स्टडी होता है। आपको हर स्टूडेंट पे एक नई चीज अप्लाई करके उसको सिखाना है। मैं अपने टीचर्स से कभी ये नहीं सुनती थी कि ये बच्चा, इसको कुछ नहीं आ रहा है। मैं उनसे यही बोलती थी कि बताओ फिर कैसे आएगा, क्योंकि बच्चे में कमी नहीं है, कमी हमारे पढ़ाने के तरीके में होती है, पढ़ने वाले में कभी कमी नहीं होती। ऐसे नहीं तो ऐसे, सिखाना हमारा काम है, तभी हम टीचर्स हैं। बिकॉज हमें ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सिर्फ बात नहीं करनी है, हमें उसे प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने 8-10 साल उस फील्ड में दिया है और अभी भी कहीं ना कहीं मैं जुड़ी रहती हूँ, बिकॉज दैट इज रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और ऑटिस्टिक बच्चों को जिस टाइम में मैंने स्टार्ट किया था, कोई स्कूल में एडमिशन नहीं देता था। मैंने ऐसी जगह पर ऐसा स्कूल रन किया है जहां पर नॉर्मल बच्चों के साथ ऑटिस्टिक बच्चों को सेटल किया है और उनमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दिखाई है विदाउट एनी स्पीच थेरेपी, विदाउट एनी स्पेशल एजुकेटर। बिकॉज आप ऑटिस्टिक को अपने से दूर करके उसको कभी भी कुछ सिखा नहीं सकते, आपको वहीं अपने सिस्टम में उसको सेटल करना है। बिकॉज वो एबनॉर्मल नहीं है, वो उतना ही नॉर्मल है जितने और अदर बच्चे हैं, सिर्फ उनको पढ़ाने का तरीका बदलना है, थोड़ा सा हमें अलग तरीके से ध्यान देना है। तो उस जर्नी से लेकर और अब फॉर्मल स्कूलिंग, लाइक आप 10th 12th के बच्चे देखेंगे, 8th के बच्चे देखेंगे, जो बहुत ही स्टबन हो जाते हैं, जो चीज़ों को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं होते। पेरेंट्स हमेशा कहते हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, अब ये क्या करेगा बच्चा। उस स्टेज के बच्चे भी देखे हैं जो अब बहुत एक्टिव हो गए हैं, उनके पास सोशल मीडिया भी है, हर बात का जवाब भी है। तो टीचर को उनके जितने भी जवाब है उनके लिए एक नया जवाब तैयार करके रखना पड़ता है। तो ये दौर भी देखा मैंने। और अभी मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ वो LLB के स्टूडेंट्स हैं और ऑब्वियसली उसमें GST इंस्पेक्टर्स से लेकर रिटायर्ड IAS PCS से लेकर सभी लोग हैं उसमें, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनको आगे मन है लीगल प्रोफेशन में जाने का, तो वो स्टूडेंट्स भी हैं। मेरे लिए स्टूडेंट स्टूडेंट ही है। जो अभी सर पूछ रहे थे कि क्या चेंजेस होते हैं, मेरे लिए वो भी टोडलर की तरह ही हैं। वो वही हैं 2+ वाले, क्योंकि वो वैसा ही बिहेव करते हैं क्लास में बैठकर। अच्छा, ये नई जानकारी ये नई जानकारी आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट स्टूडेंट ही होता है, बस सिर्फ लेवल ऑफ क्वेश्चंस बदल जाता है, बट बिहेव पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो सेम ही करते हैं। ठीक है, तो एज ए टीचर यदि मैं देखूं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे एजुकेशन को हम लेते हैं ना, वो एक पर्सपेक्टिव है। आपको पढ़ाई पढ़ाई की तरह आपने सिर्फ रटना, जब आप पढ़ते हो, लिखते हो, एग्जाम देते हो, दैट इज लिटरेसी। आपको लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस समझना पड़ेगा। एजुकेशन आपका एक प्रोसेस तैयार करती है ब्रेन में, जिससे आपकी एक थिंकिंग पावर शुरू होती है कि आप किसी एक टॉपिक को किस तरीके से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी पढ़ाया, आप साइंस के स्टूडेंट, आपने साइंस के स्टूडेंट को कोई भी थ्योरी पढ़ाई, तो यदि 10 स्टूडेंट हैं क्लास में, 10 अपने हिसाब से अलग अलग सोचेंगे। उनकी उस सोच को डिफरेंटली डेवलप करना, एज एन टीचर हमारा एक काम है कि हम हर बच्चे की सोच को उस तरीके से डिफरेंटली डेवलप करें। हो सकता है 10 लोग हैं, केस स्टडी है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है उनका, बट हमें उन सब की सोच को डेवलपमेंट के उस स्टेज पे लाना है कि वो मैच करे हमारे एकेडमिक्स से। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और बच्चे से लेकर बड़े तक हर किसी को एजुकेशन की वैल्यू उस तरीके से समझनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि पढ़ा और खत्म हो गया। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी आता है जब अपना ब्रेन आप उस तरीके से मूव करेंगे, राइट। और आप जो ऐप इन्वेंट कर रहे हैं, आप उसमें जिस तरीके से प्रोसेस रखेंगे पढ़ाने का, ये एक नया तरीका है बच्चों को एक लाइक प्लेटफॉर्म देने का, जिसमें उनकी ग्रोथ होगी, जो अपनी मेंटल एबिलिटीज को अप्लाई कर सकेंगे, जो क्लासरूम से थोड़ी डिफरेंट होगी। तो इस अप्रोच को डेवलपमेंट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई जस्ट वॉन्ट कि फ्यूचर में आप कुछ ऐसा इनोवेटिव बच्चों का कोर्स प्रोसीजर्स लेकर आए कि उनको हेल्पफुल हो।
थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आपने जो सजेशंस दिए हैं, जो बातें कही हैं, हमने बहुत सारी बातों का तो ऑलरेडी जो हमारा प्रोग्राम है, जो हम आगे करने वाले हैं, उसमें ध्यान रखा है. जो बातें अभी सर ने कही, मैडम्स ने कही, उन सबको ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हम एक गिफ्ट की तैयारी करें बच्चों आपके लिए. आज हम चांद पर पहुंच गए हैं और सितारों पर जाने की हमारी तमन्ना है, सूरज की तरफ हमने कदम बढ़ा दिया है. मैं उन सब जो पूर्व हमारे टीचर रहे हैं, उन सब का भी धन्यवाद करता हूं. थैंक यू.